पूरे देश में लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को पूरी हो रही है। वहीं हिमाचल में सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू की जिला दंडाधिकारी को दी गई शक्तियां 24 मई को खत्म हो गई थी। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा भी सभी जिला दंडाधिकारियों को जिला की परिस्थितियों के अनुसार कर्फ्यू अवधि फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसके चलते ही हमीरपुर जिला में जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने धारा 144 की शक्तियों के तहत ये आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब जिला में 30 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से 31 मई तक का लॉकडाउन का रखा है, और क्योंकि ये 24 मार्च को डिप्टी कमिश्नर जो कर्फ्यू के ऑर्डर जारी हुए थे उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर 2 महीने के लिए होती है, तो अभी इसने जो इसको है फर्दर पावर को बढ़ाया है 30 जून तक के लिए। उसी कंटिन्यूटी में हमने भी ऑर्डर किए हैं, क्योंकि 24 तारीख को कर्फ्यू की जो उसकी कंटिन्यूटी में टाइम ख़त्म हो गया था कि वो फर्दर जो कर्फ्यू को इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, उसी कंटिन्यूटी में दोबारा फर्दर ऑर्डर करने जरूरी है। तो जो है जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसी के कंटिन्यूटी में टिल फर्दर ऑर्डर्स हमारे कर्फ्यू चला। बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के लिए हमीरपुर जिला में संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में पूरी तैयारी की गई है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि रेड जोन से आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, और कल सुबह भी दिल्ली से रेलगाड़ी के माध्यम से 129 लोग हमीरपुर पहुंच रहे हैं, जिन्हें भी संस्थागत क्वारंटीन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 मई तक जिला में 18,000 के करीब लोग बाहरी राज्यों से आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों ने अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लिया है। जैसे आज भी जैसे शाम को दिल्ली से एक ट्रेन शेड्यूल है जो सुबह होना है, उसमें भी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो 129 लोगों की है। डाटा ऊपर नीचे कितने लोग आ पाते हैं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम उनको शेड्यूल क्वारंटीन जैसे आते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, लगता है कि केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, रेड जोन है, तो हम आते आते ही सैंपल लेते हैं। अदरवाइज 4-5 दिन के बाद भी उनको शेड्यूल क्वारंटीन के बाद में सैंपल लेते हैं, जैसे रिपोर्ट नेगेटिव आती है उनको होम क्वारंटीन के लिए ठीक किया जाता है। जो बैलेंस पीरियड 14 डेज टोटल क्वारंटीन पीरियड होता है, तो जितने दिन उन्होंने किया है 14 माइनस करके होम क्वारंटीन रहना पड़ता है। 25 अप्रैल के बाद में अगर हम डाटा की बात करें तो 18,300 के आसपास लोग आए हैं जो आइदर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन पीरियड में रहे हैं या होम क्वारंटीन पीरियड में रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग होम क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों की जहाँ तक रेड जोन से आए थे मोस्ट ऑफ द लोगों के सैंपल लेने की कोशिश की है, और अभी भी इस प्रोसेस में हम चले हुए हैं।